नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और मुठभेड़ के बाद फरार हुए दो बदमाश को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। पकड़े गए बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मामला गाजियाबाद में लिंक रोड थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इलाके का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहिदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ बदमाश छुपे हुए हैं। इसी दौरान चेकिंग भी शुरू कर दी गई थी और बदमाश स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह नहीं रुके और आगे जाकर उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें सीसा पाल नाम के बदमाश को गोली लगी है और उसे वहीं से अरेस्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थोड़ी ही दूर पर गोविंद और पंकज नाम के बदमाश भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लिंक रोड में बदमाश पकड़े हैं, एनकाउंटर के बाद पकड़े हैं, क्या है पूरा? ये गत 19 फरवरी को थाना लिंक रोड में एक ओला कैब बुक कराई गई थी, जिसको कि बुक जिन लोगों ने कराया था वो लोग ही कुछ दूर पे ले जाके हथियार के दम पर लूट ले गए थे और ड्राइवर को वहीं पे फेंक गए थे। इसी क्रम में इस घटना के अनावरण के लिए थाना लिंक रोड की टीम थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में लगाई गई थी। घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना लिंक रोड की टीम ने उस गाड़ी को बरामद किया है, साथ ही तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के क्रम में जब इनको रोका गया था तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जवाबी आत्मरक्षा जो फायरिंग की गई उसमें एक अपराधी जो है वो घायल हुआ है, उसे जीटीबी अस्पताल तत्काल एडमिट कराया गया और दो वहां से भाग निकले थे। उसके बाद वृहद स्तर पर कोम्बिंग कराई गई, जिसके क्रम में बाकी दोनों भी पकड़े गए। उन दोनों को भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से एक और गाड़ी बरामद हुई है, जो कि बिल्कुल इसी मोडस ऑपरेंडाई से इन्होंने दिल्ली के आनंद विहार थाना क्षेत्र से लूटी थी। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पहले भी इन्होंने ऐसी काफी घटनाएं कर रखी हैं। इनका एक और साथी है जो कि अभी फरार चल रहा है, उसके भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और जो इनका आपराधिक इतिहास है अन्य जनपदों से वो अभी मालूम किया। सर, जिस तरीके से इन्होंने कैब को लूटा और उसका सारा कलर बदल दिया, उसकी प्लेट बदल दी और उसके बाद उसी नंबर पर गाड़ी जिस तरीके से यहाँ चला रहे थे, तो क्या इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं था? नहीं, देखिए, जब कलर वगैरह या नंबर प्लेट बदल देते हैं तो ये इसी तरीके से ये करते हैं ताकि जब चेकिंग की जाए तो ये पकड़े ना जाए। इनके पास फर्जी कागज भी थे, वो अपने बचने के लिए सारा प्लान करके घूमते, पर हमारे पास सटीक सूचना थी जिस पर काम करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया। पेश है गाजियाबाद से सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट।